यार एक मिनट वेट करें। क्वेश्चन नंबर 11 डाउट आया है। एक तो क्वेश्चन नंबर 11 है डाउट, ठीक है। इसके अलावा बोले क्वेश्चन नंबर 11 के अलावा और कोई डाउट है? जल्दी लिखो यार, तब तक मैं 11 क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? यार क्वेश्चन नंबर 11 मैंने दिया था क्या करने को? कौन सा है क्वेश्चन नंबर 11? रीड करोगे एक बार? रीड करो यार क्वेश्चन नंबर 11 क्या है तुम्हारी शीट में। सर, बम्बार्डमेंट ऑफ एल्यूमिनियम बाय अल्फा पार्टिकल लीड्स टू आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था, बट फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि 27 एल्यूमिनियम 13 है, वो एक बार तो 30 फॉस्फोरस 15 बना रहा है, एंड एक बार यहाँ से क्या बन रहा है, सिलिकॉन बन रहा है। 30 सिलिकॉन 14 प्लस एक्स है, यहाँ यहाँ पर प्लस वाई है, और इधर से फर्दर बन रहा है 30 सिलिकॉन 14, तो यहाँ पर जेड है। तो पूछा है एक्स वाई एंड जेड क्या क्या होंगे। तो देखो रिएक्शन को बैलेंस करो तो एक्स के बिहाफ पर मैं क्या लिख सकता हूँ। अच्छा यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स वाई और जेड सिर्फ यही पार्टिकल्स निकलेंगे, इसके अलावा दूसरे पार्टिकल्स भी हमारे निकल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, फिक्स नहीं है कि हमारे पास सिर्फ यही पार्टिकल निकलेंगे। तो देखो अगर मैं एक्स इसमें प्रोटोन मानता हूँ, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग काम करते हैं, एक्स मैंने प्रोटोन माना, तो प्रोटोन क्या होता है, 1p1 ऐसा ही होता है प्रोटोन। हाँ सर, यस सर, ठीक है। अच्छा इसमें बोला बॉम्बार्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम बाय अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग हो रही है, तो साथ में अल्फा पार्टिकल भी है, मतलब क्या 4He2। तो देखो 27 और 4 31, 30 और 1 ये भी 31, तो बैलेंस है यहाँ पर। बोलो यस सर, बैलेंस है। 3 and 2 15, 14 and 1 15, बैलेंस है। यस सर, तो एक्स मेरा फिक्स हो गया, एक्स तो मेरा प्रोटॉन होगा, ठीक है, एक्स मेरा पक्का आ गया, एक्स मेरा प्रोटॉन होगा। वाई हम लोग देखते हैं, सपोज करते हैं वाई ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन मान लेते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 N1, 0 N1 ही न्यूट्रॉन होता है। अब रिएक्शन को बैलेंस करो, इधर तो 31 था, इधर भी 30+1 31, इधर 15 था, इधर भी देखो 15+0 ये भी 15 आ गया, तो क्या मेरा वाई न्यूट्रॉन मेरा फिक्स हो गया। यस सर, ठीक है, वाई मेरा न्यूट्रॉन फिक्स हो गया। जेड की बात करते हैं, जेड जेड देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है 1e0 प्लस में 1e0, ठीक है। तो देखो इधर 30+0, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बैलेंस हो रहा है क्या, ये 30+1 हो रहा है सर, 31 इधर 15 है और इधर 14+1 15 है, क्या हो रहा है बैलेंस। यस सर, यस सर, तो ठीक है, फिर हमारा आंसर ये जाना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें। बोलो कोई डाउट है क्या? नहीं सर, और किसी को डाउट है तो बोलो चैट बॉक्स में। और कोई डाउट आएगा सर आपके स्क्रीनशॉट कैसे सेंड करोगे? अरे भाई मैं कर दूंगा, तुम उसका टेंशन मत लो, ये सब मैं सेंड कर दूंगा, वो मेरा हेडेक है, तुम्हारा नहीं है, तुम पढ़ने पर ध्यान दो बस। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में और भी डाउट है तो जल्दी जल्दी बोलो यार, अदरवाइज हम लोग पढ़ते हैं। तुम लोग होमवर्क करके नहीं लाते हो, बहुत ज्यादा तुम्हें दिक्कत आएगा अगर होमवर्क नहीं करके लाओगे तो। और बताओ और क्या डाउट है? मैंने देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हें सेंड भी किए थे जो जो डाउट है वो। और कोई डाउट है? एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 जल्दी से बोलो।
बोलो यार। 21 क्वेश्चन नंबर आया डाउट 21। 21 में क्या बोला है कि ये क्वेश्चन भी मैंने नहीं दिया था करने को, बट तुमने कर लिया है तो ठीक है। 238.92 से कोई पार्टिकल x था, x एमिट हुआ तो हमें मिला 234 थोरियम 90। फिर वहां से कोई x2 पार्टिकल एमिट हुआ है तो हमें मिला 234 Pa 91। फिर फर्दर कोई x3 पार्टिकल एमिट हुआ तो 234 Z, और इधर मुझे पता नहीं है क्या है। नेक्स्ट फर्दर मुझे x4 पार्टिकल एमिट हुआ तो 230 थोरियम 90। इतना हो रहा है, ठीक है। चलो हम देखो, x1 x2 x3 पार्टिकल आर रेडिएशन एमिटेड बाय द रेस्पेक्टिव आइसोटोप्स। ये सारे आइसोटोप्स है, एमिट हो रहा है, ठीक है। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, क्या सेम है? एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। चलो ये एमिट कर दिया इन्होंने, करेक्ट ऑप्शन। x1 विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट, तो x1 होगा क्या, पहले तो ये पता लगाओ। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर जो पार्टिकल एमिट किया है x1, अगर मैं उसको ऐसा मान लू 4He2+, मतलब अल्फा पार्टिकल मान लू, तो क्या बैलेंस हो रहा है दोनों साइड में? यस सर, बैलेंस। मेरा x1 क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या होता है, प्लस 2E, तो क्या वो नेगेटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होगा? हाँ सर, यस वो डिफ्लेक्ट होगा, तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ऑप्शन बी, x2 इज बीटा माइनस, बीटा माइनस का मतलब वही -1E0, तो क्या देखो बैलेंस हो रही है रिएक्शन। अगर x2 को मैं बीटा माइनस ले लूं तो -1E0 से 90 और -1 90, yes, हो गया 91 और -1 90 हो गया 234, और ये बैलेंस हो रहा है, तो यस मेरा x2 क्या आ गया, x2 आ गया मेरा बीटा माइनस पार्टिकल, तो मेरा बी ऑप्शन भी मेरा करेक्ट हो गया है, ठीक है। बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन मतलब z का एटॉमिक नंबर 90 होगा। सुनो मेरी बात सुनो, ये Pa से Z बन रहा है तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों का मास नंबर सेम है तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, Pa एंड Z में रिलेशन क्या है, क्या Pa और Z एक दूसरे के आइसोबार है? यस सर। अच्छा, मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ आइसोबार कैसे होता है, आइसोबार का फॉर्मेशन का तरीका क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में, याद करो। ऐसा मैंने बताया था, आइसोबार्स कैन बी फॉर्म्ड बाय बीटा माइनस एमिशन, बताया था ऐसा? यस सर, यस सर। तो x3 क्या होगा मेरा, बीटा माइनस, बोलो ऐसा ही है क्या? Yes, sir. तो सी ऑप्शन में बोला है x3 गामा रेज है, तो क्या सी ऑप्शन करेक्ट है? रॉन्ग है ना सी? No. नेक्स्ट x4 बोला है। अच्छा, नेक्स्ट डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है z इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, तो z इन एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, तो z क्या होगा, z मेरा, अब देखो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इज 234 Pa 92, उससे मुझे मिला क्या Z, Z क्या था, Z is 234, आइसोबार प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो आइसोबार प्रोड्यूस कर रहा है तो मेरे को क्या एमिट करना पड़ेगा, -1E0, तो मुझे बताओ यहाँ पर Z की जगह मैं क्या लिखूं, सॉरी ये 91 है, यहाँ 91 है ना, यहाँ 91 है, इस जगह पर 92 नहीं है, दिस इज 91, तो Z का एटॉमिक नंबर क्या लिखूं मैं, बोलो 90, बैलेंस का 92 नहीं 92, ये Z का एटॉमिक नंबर है। और यूरेनियम मेरा क्या था, यूरेनियम मेरा था 238 यूरेनियम 92, क्या ये दोनों आइसोटोप है? यस सर, यस सर, बस यस सर, तो डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हमें?
सर समझा ठीक है जल्दी से बोलो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में जो भी डाउट है चैट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी बताओ यार तुम बहुत टाइम लगा रहे हो जिनको डाउट है वो जल्दी से सारे क्वेश्चन एक बार में लिख दो नहीं है एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 यार होमवर्क करके लाओ होमवर्क नहीं करके लाओगे तो बड़ा मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए पहले ही मैं बता रहा हूं एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 जेई मेन ऑफलाइन डिस्कस कर रहा हूं मैं अब एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 जेई मेन ऑफलाइन एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 जेई मेन ऑफलाइन के डाउट बताइए जल्दी से ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टार्टिंग में ऑफलाइन लिखा है यार मेरे पास जो शीट है ऑफलाइन के पहले मैं डिस्कस करूंगा देन ऑनलाइन के तुम्हारे शीट में क्या ऑनलाइन नहीं दे रखा ऑफलाइन नहीं दे रखा नहीं सर ऑनलाइन प्रॉब्लम नहीं सर ऑनलाइन तो ठीक है ऑनलाइन के बता दो ऑनलाइन के डिस्कस अच्छा मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था कि ऑफलाइन के मैं ऑप्शनल रखूंगा तो मैं भूल गया था जेई मेन ऑनलाइन ऑनलाइन बताओ एक क्वेश्चन पूछा है सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑनलाइन में सेकंड में क्या बोला है इफ लैम्डा नॉट एंड लैम्डा बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड द इंसिडेंट लाइट वेवलेंथ द फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड वेलोसिटी पूछी अरे यार देखो हमने ऐसा पढ़ा है एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है एक तो वर्क फंक्शन और एक काइनेटिक एनर्जी ऐसा ही पढ़ा है मैंने बताओ यस सर तो एनर्जी तो एच सी बाय लैम्डा वर्क फंक्शन है एच सी बाय लैम्डा नॉट ठीक है प्लस काइनेटिक एनर्जी इतना लिख सकता हूं मैं यस सर यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट तो एच सी को कॉमन लिया नीचे आएगा लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट ऊपर आएगा लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इतना क्लियर है यस सर काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा नॉट तो यहां से वी स्क्वायर आ गया एच सी टू एच सी बाय एम ब्रैकेट में लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा नॉट तो यहां से वेलोसिटी आ जाता है अंडर रूट ऑफ टू एच सी बाय एम लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा नॉट तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट समझ गए बोलो यार यस सर ठीक है चलिए इसके अलावा बताओ और क्या डाउट है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 17 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 इज अच्छा ये देखो ये फैक्चुअल है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो तो मुझे पता है तुम लोग बाद में पढ़ भी लोगे ये फार्मूला फिजिकल केमिस्ट्री में 3/2 kT होता है ठीक है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो ऑर्डर होता है वो यही होता है ये फैक्चुअल क्वेश्चन है 9 वाला कि हमारा सबसे ज्यादा विजिबल फोटोन होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ देन उससे कम थर्मल इलेक्ट्रॉन होता है एक्चुअल में ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछा जाता नहीं है तो कभी कभार बहुत अजीब सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन कभी पेपर में आता है ना तो किसी बच्चे से नहीं होने वाला क्योंकि ये फैक्चुअल बातें हैं ये सबको याद नहीं रहती तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा ही होगा कि थर्मल इलेक्ट्रॉन थर्मल न्यूट्रॉन और थर्मल फोटोन या फिर इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं देखो इसको एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका क्या है काइनेटिक एनर्जी की बात करें डी ब्रोगली वेवलेंथ तो एक्चुअल में मुझे पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एच अपॉन एम वी होता है तो मास का ऑर्डर देखें तो मास में न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा होता है देन इलेक्ट्रॉन का देन सबसे कम फोटोन का फोटोन एक तरह से लाइट है जो कि एक्चुअल में हम लोग मासलेस मान सकते हैं उसको
तो ये मेरा ऑर्डर किसका है, मास का ऑर्डर है। तो जो वेवलेंथ का ऑर्डर आएगा वो इसका अपोजिट आ जाएगा, फोटोन का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, देन इलेक्ट्रॉन, देन न्यूट्रॉन। समझ गए? यस सर। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछा था, 17, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में देखो क्या बोला है, एमिशन फॉर एमिशन लाइन ऑफ एटॉमिक कहां से कहां, एन इनिशियल 8 टू एन फाइनल, यहां एन इनिशियली 8 से कहां तक जा रही है, वो एन फाइनल मतलब एन तक जा रही है, ठीक है। वेव नंबर अगेंस्ट एन स्क्वायर का कर्व हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, है ना, तो हमारा स्लोप क्या होगा। तो देखो हमें पता है वेव नंबर जो कि 1/λ, वेव नंबर होता है आर एच जेड स्क्वायर 1/N1² -1/N2², ठीक है, ऐसा होता है मेरा, मतलब वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच 1/N इनिशियल का स्क्वायर, सॉरी 1/N इनिशियल का स्क्वायर, यस, -1/N फाइनल का स्क्वायर। देखो कर्व हमें किसके बीच में दिया है, हमें पता है कि आर एच क्या है, आर एच मेरा एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/N² में बोल सकता हूं, है ना। अब कर्व हमें बनाना है वेव नंबर और 1/N² के बीच में, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू mx प्लस c लाइन का इक्वेशन सुना है कभी? यस सर, स्ट्रेट लाइन। तो हमें क्या है, हमें वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच और 1/N² जो कि वेरिएबल है, ऐसा कुछ दिया है। तो ये y है, ये x है, तो ये क्या होगा, ये m होगा, तो जो लाइन होगा उसका स्लोप क्या आएगा, वो आएगा आर एच। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ विथ स्लोप आर एच, कि हमारा जो स्लोप बनेगा वो ऐसा होगा, और सॉरी लाइन बनेगा वो विथ स्लोप आर एच होगा, और जो हमारा कर्व बनेगा एक वो लाइन बनेगा, इसलिए लीनियर विथ स्लोप आर एच बोला है। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे? एक बार सारे ऑप्शन yes, समझा। क्या बोल रहे हो, कोई कुछ बोला है क्या? हाँ सर, एक बार सारे ऑप्शन एक्सप्लेन कर दीजिए। ऑप्शन से देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोला है लीनियर विथ इंटरसेप्ट आर एच, एक्चुअल में y इक्वल टू mx प्लस c में m स्लोप होता है और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो हमारा लाइन है r न्यू बार इज इक्वल टू आर एच 1/N², तो ये y है, ये x है और ये m है, प्लस 0 वो मेरा स्लोप है, तो जो मेरा इंटरसेप्ट है ना वो एक्चुअल में इंटरसेप्ट तो 0 है और मेरा जो स्लोप है वो आर एच है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि मेरा इंटरसेप्ट आर एच है, नहीं रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन में बोला है लीनियर विद स्लोप माइनस आर एच, नहीं रॉन्ग। थर्ड बोला है नॉन लीनियर, नहीं, हमारा तो एक लाइन आएगा। फोर्थ बोला है लीनियर विद स्लोप आर एच, यस ये करेक्ट है, समझे? लाइमन बामर सीरीज पढ़ा तो दी तुम्हें? हाँ सर, 12 हो गया, 11 नहीं पढ़ा, 11 अब पढ़ाएंगे बाद में। और कोई डाउट है बताइए, और कोई डाउट है किसी को? अगर नहीं है डाउट तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अभी एकदम से डाउट आए हैं, 4, 5, 21, 23 सो रहे थे क्या इतनी देर से? 4, 15, 21, 23 यही क्या, एक बार देख लेते हैं। यस, तो क्वेश्चन नंबर फोर इज M and E are the mass and the charge of the revolving electron in the orbit of radius R of hydrogen atom. The total energy will be. अरे भाई क्या पूछ लिया? हम्म,
देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है ना, फोर्थ वाला क्वेश्चन। जो टोटल एनर्जी है उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब माइनस में हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ऐसा ही पढ़ा है शायद, है ना? हाँ सर। ठीक है ओके, मतलब माइनस में हाफ के का वैल्यू तो के रख दो, जेड का वैल्यू हमें दिया है क्या? नहीं दिया। अच्छा हाइड्रोजन एटम के अंदर है तो वो प्लस में वन ई इलेक्ट्रॉन माइनस में ई अपॉन आर, तो देखो यहां पर आ गया माइनस में हाफ के, ये माइनस नहीं रख सर, के वन बाय फोर पाई परमियबिलिटी कांस्टेंट है ना। हाँ तो देखो ये आ गया माइनस में हाफ के ए स्क्वायर बाय आर, ये आ गया है ना, ये माइनस साइन ऑलरेडी आ जाता है चार्ज के अंदर ही, मैंने वापस से माइनस साइन लगा के गलत कर दिया था। अब देखो k का वैल्यू क्या होता है SI यूनिट में, तो k का वैल्यू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 9 इनटू 10 रेस टू द पावर 9। बट जो k का वैल्यू होता है हमारा CGS यूनिट में, CGS यूनिट में k का वैल्यू होता है 1, CGS यूनिट में k का वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहां पर 1 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो टोटल एनर्जी कितना आएगा, माइनस में हाफ इनटू e स्क्वायर बाय r। अब कोई मुझे बोलेगा कि सर k का वैल्यू 1 क्यों पुट किया, अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें ये करना पड़ा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें सोचकर यही करना पड़ा कि k का वैल्यू मुझे 1 ही पुट करना पड़ेगा तभी मेरा आंसर आएगा, समझे? सर ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का माइनस साइन बाहर आना चाहिए ना। एक्चुअली जब हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं तो उसमें ऑलरेडी वो माइनस साइन उस इलेक्ट्रॉन का ही होता है, ये वाला माइनस साइन, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको प्लस रख दिया था। ठीक है इसी फॉर्मूले ना, हाँ उस फॉर्मूले में, ये माइनस वो इलेक्ट्रॉन के माइनस की वजह से ही आता है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट। ठीक है तो देखो हमने ऐसा पढ़ा है 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, पढ़ा है ऐसा? यस सर। तो 2 पाई आर 1 इज इक्वल टू 1 इनटू लैम्डा। ठीक है तो R1 क्या होगा, R0 n स्क्वायर बाय z, तो R1 होगा, R0 की वैल्यू होती है 0.529, n का वैल्यू 1 का स्क्वायर, अपन हाइड्रोजन के लिए बात करें तो ये भी 1, तो यहां से R1 का वैल्यू आ गया 0.529, वैल्यू यहां पुट करो तो 2 पाई 0.529 दैट इज इक्वल टू लैम्डा, तो ये मेरा आंसर हो गया। जिसका डाउट था उसे समझ आ रहा है एंगस्ट्रॉम में? यस सर। बोलो। ठीक है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 इज हीट ट्रीटमेंट ऑफ ए मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ अबाउट 900 नैनोमीटर, विच स्पेक्ट्रल लाइन सूटेबल। यार हर स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ निकालो और आंसर आएगा, मैं अब इसमें इतना बड़ा सारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, और आर एच का वैल्यू रखो 10 रेज टू द पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स, तो यहाँ से जो मेरा लैम्डा आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, और सभी के अंदर कर करके देखो किसमें मेरा लैम्डा इस रेंज में आता है, वही मेरा आंसर होगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। ओके क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस जनरेट फोटो इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी दिस। ओके तो देखो मुझे पता है E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है अब देखो मुझे वर्क फंक्शन नहीं पता, चलो ठीक है हमें वर्क फंक्शन नहीं पता, अच्छी बात है, हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल ले। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, जूल में चलने दो सब कुछ, हाफ किसकी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का वेट लिखेंगे 9.1 into 10 raised to the power minus 31. वेलोसिटी हमको मीटर पर सेकंड में दे रखी है 6 into 10 raised to the power 5 meter का होल स्क्वायर, तो यहां से मेरा काइनेटिक एनर्जी कितना आता है, हाफ into 9.1 into 10 raised to the power minus 31 into 12 into 10 raised to the power 10 जूल में आएगा।
तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पर क्या आता है, ये किया किसी ने सॉल्व इसको? सर 12 या 36 सर, वो 36 है सर, सॉरी 36 आना चाहिए, अरे यार रॉन्ग लिख दिया, कैलकुलेशन एरर, 36 है ना, 18 into 9.1 होगा ना, ये तो आ गया 63, तो 1.638 into 10 raised to the power 20 माइनस में कितना आएगा 21 माइनस में 19 जूल, वो 1.63 लिख दिया, 163.8 को ना, ऐसा हो गया ठीक है। ये अगर तुम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करो तो तुम ऐसा लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज अप्रोक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अप्रोक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। बोलिए लग रहा है ऐसा? यस सर। अब एनर्जी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट में निकालता हूं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट वो कितना आएगा, वो आएगा 12400 divided by 4000, तो यहां से क्या आता है आंसर बताओ? 3.1। तो देखो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो यहां से वर्क फंक्शन कितना आएगा, एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, मतलब 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, बताओ? यस सर। चलो ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? सर हाँ सर, आप 16 का सेकंड पॉइंट एक बार बता सकते हो? 16 का सेकंड पॉइंट, रुक जा, शीट क्लोज ही कर दिया था यार मैंने, हाँ 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 ये ना ऐसा ये होता है, ऐसा ये फैक्ट है हमारे लिए, हमें याद रखना है ऐसा, फ्रीक्वेंसी एमिटेड रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी गोज टू लोअर वेवलेंथ टू हायर वेवलेंथ एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, मतलब अगर मैं यहाँ पर मेरा लैम्बडा वन है, यहाँ पर मेरा लैम्बडा टू है, तो ये लोअर, फ्रॉम लोअर टू हायर ना, फ्रॉम लोअर टू हायर हम लोग जा रहे हैं वेवलेंथ, तो इधर से इधर जाने पर लैम्बडा बढ़ रहा है, तो एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इधर से इधर जाने पर टेम्परेचर को भी हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी लोअर वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ की तरफ जा रही है, मतलब एनर्जी कम हो रही है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना पड़ता, ऐसा है ब्लैक बॉडी के अंदर, सिंपल सा फंडा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और कोई डाउट किसी को? सर इसके बाद, इसके बाद सर इसके बाकी जो ऑप्शंस है सर उसको भी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे भाई कौन से ऑप्शन में कहाँ गया यार, क्वेश्चन ही खो गया मेरा तो, 16 ना, हाँ मिल गया, फोटॉन्स हैज, फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, तो देखो मोमेंटम हमेशा एक पार्टिकल का होता है, वेवलेंथ हमेशा वेव का होता है, मोमेंटम कभी वेव का नहीं होता, मोमेंटम हमेशा एक पार्टिकल का होता है और वेवलेंथ हमेशा वेव का होता है, तो फोटोन के अंदर दोनों ही नेचर होते हैं, क्यों, क्योंकि क्या है वो, पार्टिकल एंड वेव ड्यूल नेचर रखता है इसलिए ना, एंड ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन में बोला स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट, ये तो तुम्हें पता ही होगा ना स्टार इफेक्ट का मतलब क्या होता है, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग को स्टार इफेक्ट बोलते हैं हम लोग, और मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग को क्या बोलते हैं, ज़ीमैन, ज़ीमैन इफेक्ट, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन बोला है रिडबर्ग कांस्टेंट हैज यूनिट ऑफ एनर्जी, तो देखो इसका मतलब क्या है, मुझे पता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा होता है, ऐसा होता है, एन वन अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर एच समथिंग कुछ लिखते हैं, तो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर, या फिर R is inversely proportional to 1 upon lambda,
दोनों ही लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह से यूनिट का एनर्जी का यूनिट है ये। तो आर एन के है? आर एन नहीं, आर एच लिखा है वो, हिडबर्ग कांस्टेंट होता ना आर एच। और कोई डाउट है? बताओ यार। नहीं सर, तो फिर कौन सा भी ऑप्शन गलत नहीं है? है ना, सेकंड वाला ऑप्शन रॉन्ग ही तो है। देखो सेकंड वाले ऑप्शन में मैंने बताया लोअर से हायर वेवलेंथ की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, अभी ये बताया, बट इसमें बोला है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हाँ यस, हाँ हाँ। और कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज हम लोग पढ़ते हैं फिर आगे। 19th का सेकंड ग्राफ, अरे वो कुछ भी ग्राफ बना दिया है, जरूरी थोड़ी हम सारे ग्राफ को एक्सप्लेन कर पाए, अब उसको ऑप्शन बनाने के लिए तो कुछ भी ग्राफ देगा ना वो। अच्छा हमसे शायद ये तो नहीं पूछा है कि डज नॉट रिप्रेजेंट, तो ये ग्राफ कैसे हुआ, ऐसा पूछना चाह रहे हो? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इधर है फ्रीक्वेंसी। तो देखो स्टार्टिंग में हमारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, स्टार्टिंग में तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जीरो है, स्टार्टिंग में तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जीरो है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे। बट एक टाइम आएगा कि तुमने अपनी न्यू नॉट को पार कर दिया, तुमने हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पार कर दिया, तो एकदम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने स्टार्ट होंगे। अब तुम वापस फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं वो नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं वो तो ब्राइटनेस पे डिपेंड करते हैं, ब्राइटनेस बढ़ाओगे तभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन बढ़ेगा। अभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए हैं बट उनका नंबर नहीं बढ़ेगा, वो तो कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि तुम्हारी ब्राइटनेस तुमने सेम रखी है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे, ऐसा पढ़ाया था मैंने। ब्राइटनेस और इंटेंसिटी सेम होता है ना? हाँ सेम मानेंगे ब्राइटनेस और इंटेंसिटी को। समझ में आई है मेरी बात या नहीं आई? आई सर। और कोई डाउट है? नो सर। चलिए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं नया कुछ पढ़ना सर। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे, हाँ जल्दी बोलो जल्दी बोलो सर। वो पीछे कुछ आंसर answer by NTA or answer by resonance। अरे भाई जितनी भी तूने बात बोली तेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, बहुत वॉइस बहुत 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 ज्यादा ब्रेक हो रहा है, तो जो भी बोलना है या तो चैट में लिख या फिर अच्छा कनेक्शन यूज कर। सर वो बोल रहा है कि लास्ट में जो क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन या आंसर जो दिए हैं उसमें एक लिखा है कि रेजोनेंस का आंसर कुछ क्या बोला है? रेजोनेंस का आंसर, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सर पीछे हाँ। बोला है कि आंसर बाय एनटीए और दूसरा बोला है आंसर बाय रेजोनेंस। एक्चुअली देखो ऐसा है कि एनटीए तो वो है जो जेईई मेंस कंडक्ट कराता है, अब रेजोनेंस में रेजोनेंस के कुछ एक्सपर्ट है वो, तो रेजोनेंस के एक्सपर्ट का मानना था कि आंसर ये आएगा, बट एनटीए ने ऐसा नहीं माना, तो एनटीए ने बोला कि आंसर ये आएगा, तो रेजोनेंस के एक्सपर्ट ने बोला नहीं आंसर तो यही आएगा, तो आंसर के में दोनों ही आंसर उन्होंने छाप दिए कि हमें ऐसा लगता है बट एनटीए ने ऐसा दिया। ठीक है तो सही दोनों सही कौन सा होगा? सही देखो सही तो वही होगा जो रेजोनेंस के एक्सपर्ट्स ने माना है, बट मार्क्स उसी पर मिलेंगे जो एनटीए ने माना है, क्योंकि फाइनली तो उनके पास में जाके एग्जाम देना है ना। अब भले ही वो गलत चीज को सही माने तो वो तो तुम्हें मार्क्स उसी पे मिलेंगे। ऐसा मुश्किल से होता है, मतलब हजार हजार क्वेश्चन आए तो हजार में से एक क्वेश्चन में मिलेगा, तुम पूरी सारी शीट में देखोगे तो एक दो क्वेश्चन में ऐसा होगा, सब में ऐसा नहीं होता है। ठीक है चलो यार हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं अब। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही,
बट मैं उसे अलग से थोड़ा पढ़ाता हूँ, क्वांटम नंबर्स नाम देखे ना, क्वांटम नंबर। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया। हाँ वो हो गया, क्वांटम नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं अब ना। क्वांटम नंबर्स में हम लोग देखो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो स्टार्टिंग में हम लोग बात करते हैं थोड़ा बहुत, तुमने उनके बारे में तो सुना होगा ना, शेल, सब शेल, ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में सुना है? हाँ सर। जैसे मान लो मैं तुम्हें थोड़ा एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे सपोज करो हमारे पास थर्ड है, थर्ड शेल, या फिर इसको हम लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं, थर्ड शेल, या फिर हम लोग इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं। थर्ड शेल हमारे पास है, जैसे n इक्वल टू वन शेल होता है, n इक्वल टू टू शेल होता है, n इक्वल टू थ्री शेल होता है, वैसे ही थर्ड शेल में हमारे पास क्या होता है, तीन सब शेल होते हैं। वो कैसे आए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम मान लो कि थर्ड शेल में तीन सब शेल होते हैं, कौन कौन से, 3s, 3p एंड 3d। थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा इसके बारे में? नहीं सर, ये नहीं पढ़ा। बिल्कुल नहीं पढ़ा? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। कोई नहीं, अभी अभी के लिए मान लो, बाद में मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी के लिए मान लो थर्ड एस में तीन सब शेल होते हैं, 3s, 3p एंड 3d। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सब शेल, ठीक है। अब हम लोग जो s वाला हमारा होता है, s, s को हम लोग हमेशा एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे कोई सा भी x हो, कोई सा भी s हो, 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, कैसा भी s हो, s के लिए हमेशा एक बॉक्स बनाते हैं, p के लिए हमेशा तीन बॉक्स बनाते हैं, एंड d के लिए हम लोग हमेशा 5 बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखना है तुम्हें कि s के लिए 1 बॉक्स, p के लिए 2 बॉक्स एंड d के लिए 5 बॉक्स। और जो एक बॉक्स होता है, जैसे मान लो ये बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, कोई सा भी बॉक्स ले लो, कोई भी एक बॉक्स हो, कैसा भी बॉक्स हो, अगर एक बॉक्स होता है हमारे पास, तो उस एक बॉक्स को, इस एक बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट। इस एक बॉक्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल, सॉरी ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिट तो शेल हो गया, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। और एक जो मेरा बॉक्स होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये जो अंदर जो मैंने ऐसे फिल किए हैं, इनको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सबसे बाहर क्या है, तो देखो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, कैसे, कि सबसे बाहर क्या है मेरे पास, ऐसा 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 ऐसा, तो सबसे बाहर कौन है, सबसे बाहर है मेरा शेल, M-N, N. शेल, शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल, सब शेल, सब शेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा है कुछ सीन शेल का डायग्राम है। हाँ, मतलब शेल के अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग में मेरा फ्लैट है, फ्लैट में मेरा रूम है, रूम में मेरा अलमीरा है, अलमीरा में मेरी बुक्स है, ऐसा हो सकता है ना, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग में मेरा फ्लैट है, फ्लैट में अलमीरा है, अलमीरा में मेरा बुक है, ऐसा इतना लंबा प्रोसेस होता है। वैसे लाइक सेम है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि मुंबई में तो पता नहीं जहाँ भी आता, चलो अब मुंबई में बोरीवली है, बोरीवली में मेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में मेरा घर है, घर में मेरा रूम है, रूम में मेरी अलमीरा है, अलमीरा में मेरा बुक है, सेम वैसा ही है कि शेल है, शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल में ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में मेरा इलेक्ट्रॉन है, समझ गए, सेम वैसा सीन है। ओके सर, समझा। तो कौन किसके अंदर होता है उसके बारे में, बट सर इलेक्ट्रॉन में तो क्या बोल रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में मूव होता है ना। अरे सुन लो, जितना कहानी सुना रहे उतना सुन लो, साइंटिस्ट बनो मत कभी ज्यादा, ठीक है, कौन कहाँ मूव हो रहा है अभी सब पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, अलग अलग ऑर्बिटल्स का कैसा कैसा शेप होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट इज एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं।
तो एस ऑर्बिटल में कुछ पॉइंट्स लिखता हूं मैं. पॉइंट नंबर वन इज स्फेरिकल इन शेप. एस ऑर्बिटल मेरा स्फेरिकल शेप का होता है. सेकंड पॉइंट मतलब वो एक बॉक्स वाला वो वाला ना. सुन लो अभी पहले पूरी बात. देखो अभी तुम ऐसा मत सोचो कि ये जो बॉक्स है मतलब ये बॉक्स शेप का ही होगा. एक्चुअल में ये तो हमारा पेन पेपर पर लिखने का एक तरीका होता है. ठीक है, ऐसा मत सोचो कि वो तो बॉक्स है तो मतलब बॉक्स जैसा ही दिखेगा. एक्चुअल में दिखने में भी एक बॉक्स टाइप में होगा. नहीं, ये तो हमारा पेन पेपर पर लिखने का एक तरीका होता है, एक हमारा नोटेशन है लिखने का. ठीक है, तो एस ऑर्बिटल कैसा होता है? एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. देखो कोई भी ज्योमेट्री होती है, अगर वो ज्योमेट्री स्फेरिकल या सर्कुलर है तो वो नॉन डायरेक्शनल नेचर की होती है. कोई भी ज्योमेट्री अगर स्फेरिकल या सर्कुलर है तो नॉन डायरेक्शनल नेचर की होती है. जैसे मान लो नॉन डायरेक्शनल नेचर का मतलब डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. अगर मान लो तुम स्फीयर के सेंटर पर खड़े हो तो स्फीयर के सेंटर से तुम कहीं भी चले जाओ उसके बाउंड्री पर तो क्या हर जगह से तुम्हें सेम डिस्टेंस मिलेगा? हाँ सर. नहीं. हाँ तो तुम्हें तुम्हें डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ हर जगह सेम है. ऐसा ही तुम सर्किल में सेंटर पर खड़े हो तो तुम किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ तुम्हें हर जगह सेम डिस्टेंस मिलेगा हर चीज का. यस सर. हाँ सर. यस सर. तो तुम्हें यहाँ पर भी डायरेक्शन का फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ सेम लगेगा. अगर मान लो तुम किसी स्क्वायर ज्योमेट्री में सेंटर पर खड़े हो तो क्या हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस मिलेगा बाउंड्री पे जाने के लिए? बोलो. यस यस सर. सेम डिस्टेंस से बाउंड्री पे पहुंच जाएंगे हर डायरेक्शन में जाएंगे तो. जैसे मान लो मैंने एक स्क्वायर बनाया, मान लो स्क्वायर है ना. अब तुम सेंटर से चाहे यहां जाओ, चाहे सेंटर से यहां जाओ, चाहे सेंटर से यहां जाओ, क्या सारी तीनों डिस्टेंस सेम है? नहीं. नो नहीं है ना. तो मेरा स्क्वायर वाली ज्योमेट्री में डायरेक्शन का फर्क पड़ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर वाली ज्योमेट्री डायरेक्शनल है मेरी. ठीक है, स्क्वायर वाली ज्योमेट्री मेरी डायरेक्शनल है. बट स्फीयर या फिर सर्किल में ऐसा नहीं होता. हर सेंटर से पूरी बाउंड्री की डिस्टेंस सेम है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर. नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं इट इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस. मतलब हम बोलते हैं कि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास होता है. एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? एस ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन. देखो ऑर्बिटल का मतलब हमेशा क्या है, एक बॉक्स. ऑर्बिटल का मतलब हमेशा क्या है, ये एक सिंगल बॉक्स. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल एक सिंगल बॉक्स का मतलब ऑर्बिटल है. चाहे वो कोई सा भी ऑर्बिटल हो, एस हो, पी हो, चाहे डी हो, एक सिंगल ऑर्बिटल में एक ही बॉक्स बनेगा और इस एक बॉक्स में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं. ठीक है, एक बॉक्स में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, In S subshell, we can accommodate maximum orbital के ऊपर वाला ना two electron. अब देखो S subshell में कितने boxes थे maximum? One बॉक्स था एस सब शेल में. पी सब शेल में कितने बॉक्स है? थ्री. और डी सब शेल में कितने बॉक्स है? फाइव. ठीक है, तो मैं बोलता हूँ और एक ऑर्बिटल का मतलब एक बॉक्स होता है. तो देखो एस सब शेल में एक्चुअल में एक ही ऑर्बिट है, इसलिए उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे. और एक्चुअल में एक ऑर्बिट का मतलब भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. तो हम बोलते हैं एस सब शेल में एक्चुअल में क्या है, एक ही ऑर्बिटल है. एस सबशेल में एक्चुअल में एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए उसमें मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. अब बात करते हैं दिखता कैसा है, तो वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूं. ये दिखता कैसा है, ऐसा होगा ये एस
ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस मैंने बनाया है ना, थोड़ा सा बेकार बन गया, अच्छा बना देता हूँ। ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब ये स्फेरिकल शेप का होता है, तो एक मैं स्फीयर बना रहा हूं, ठीक है। ये स्फेरिकल शेप का है ना, ये स्फीयर है, मान लीजिए एक स्फीयर है। या फिर मैं एक्चुअल में दिखाना चाहूं तो एक्चुअल में कुछ ही ऐसा दिखता है, दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर। हाँ सर, एक्स वहाँ पे कैसे आ रहा? क्या बोल रहा है? तो एक्स तो स्ट्रेट वाला होता है ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये कहाँ से ज्ञान लेके आए हो? ये जरूरी थोड़ी है एक्स ये स्ट्रेट वाला ही होता, कहीं पे अपनी मर्जी है, तुम मानो तो एक्स यहाँ बना दो, मैं मानू तो ऊपर ऊपर वर्टिकल वाला एक्स मान लेता हूँ, ये जरूरी नहीं। ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है, कहाँ जहाँ से भी तुमने ऐसा सीखा है वो गलत। एक्चुअल में स्टूडेंट की आदत होती है, कुछ चीजें मन से मान लेते हैं अपने कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, कुछ भी मान सकते हैं ना। तो ये मेरा क्या है, ये एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल है और ऐसा दिखता है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल वाला फंडा क्लियर हो गया, एस ऑर्बिटल में क्या क्या है? यस सर, बोलो। And the second one is, वो सबशेल वाला नहीं समझा उस पॉइंट। हाँ रुको रुको रुको, सब समझ में आएगा, एक दिन में ज्ञानी नहीं बनोगे, धीरे धीरे क्या बोलते हैं, जैसे पढ़ते खुलती है ना ज्ञान की, वैसे खुलेगी, सब समझ आएगा। अभी सुनते जाओ बस शांति से, एक के बाद एक चीजें एक दूसरे से लिंक होगी तो सब क्लियर होगा। पी ऑर्बिटल की कहानी सुनो। पी ऑर्बिटल में फर्स्ट पॉइंट, डंबल लाइक शेप। इसका डंबल जैसा शेप होता है, मतलब बीच में ऐसा, वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना बॉडी बिल्डर, वो डंबल होता है ना कि ऐसा ऐसा होता है कुछ डंबल, देखो ऐसा ऐसा सा डंबल आता है ना बीच से, यहाँ से पकड़ते हैं और दोनों तरफ ऐसा बड़ा बड़ा सा होता है, गोल गोल सा। हाँ सर, इस तरह से होता है डंबल, तो इस तरह के शेप का होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा सा ऐसा होता है, तो इसको बोलते हैं डंबल लाइक शेप, ठीक है, डंबल जैसे शेप का है। सेकेंड पॉइंट इज डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल इन नेचर, ये डायरेक्शनल नेचर का होता है क्योंकि डंबल वाली शेप एक बहुत ही सिमेट्रिकल शेप नहीं है कि हर डायरेक्शन में जाओ तो सेम डिस्टेंस पर हमें पहुंच जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। थर्ड पॉइंट इज पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन। तो देखो ऐसा तो होता ही है, ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल का मतलब होता है सिर्फ एक बॉक्स, ऑर्बिटल का मतलब होता है सिर्फ एक बॉक्स, चाहे वो पी का हो, चाहे वो डी का हो, चाहे वो एस का हो, चाहे वो एफ का हो, चाहे किसी का भी हो, ऑर्बिटल का मतलब होता है सिंपल एक बॉक्स, और एक बॉक्स में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल में हमेशा दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम। एंड सेकेंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेड कलर से भी स्टार लगा देता हूं मैं, क्या? पी सबशेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कोई मुझे बता सकता है? पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? सिक्स इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि पी सबशेल में मिला जुला कर कितने बॉक्सेस है? तीन बॉक्सेस है। तो देखो ऐसा कुछ होगा, ये इसका फंडा क्या है, इसका फंडा कुछ ऐसा है, ऐसे तीन बॉक्स बन गए में, तीन बॉक्स या फिर फाइव बॉक्स वैसा, लेकिन ऑर्बिटल। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि तुम बस मेरी कहानी सुनते जाओ, धीरे धीरे सब समझ आएगा। मूवी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में थोड़ी सब कुछ समझ आ जाता है, धीरे धीरे समझ आता है ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो बस सुनते जाओ चुपचाप। अब ये पूरा पी सबशेल है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो मैक्सिमम देखो 1 2 3 4 5 6, ये मैक्सिमम मेरे 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाली पूरी चीज क्या है? पी सबशेल है।
30 अपशेल, और ये सिर्फ ये अकेला एक ये क्या है, पी ऑर्बिटल, ये है पी ऑर्बिटल, दिस इज पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऑर्बिटल चाहे पी का हो, चाहे डी का हो, चाहे एफ का हो, चाहे एस का हो, ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, और अगर सबशेल है तो अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल हम लोग बात करेंगे, तो पी सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इतना फंडा क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, यस सर, ठीक है। अब देखो पी दिखता कैसा है, पी हमेशा एक्चुअल में पी होता है डंबल लाइक शेप, है ना, डंबल लाइक शेप मतलब कुछ ऐसा दिखता है पी, एक सेकंड रुको यार, यहाँ पर पानी आ गया। पी एक्चुअल में ऐसा दिखता है, ये हमारा पी है ना, यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये पी ऑर्बिटल है ना, तो यहाँ डॉट डॉट वाले एरिया में क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये एक पी ऑर्बिटल मैंने बनाया, ठीक है। अब जो मेरा ये वाला पार्ट है, ये इसको तो बोलता हूं मैं क्या, लूप, क्योंकि ये लूप जैसा है, लूप और लोब। और जो ये वाला पार्ट है, ये डॉट वाला पार्ट जहां पर दोनों लूप्स कनेक्टेड हो रही है, इसको मैं बोलता हूं नोड, ये नेम याद रखें, इसको मैं बोलता हूं क्या, नोड। नोड क्या होता है, नोड का मतलब क्या होता है, नोड जहां से दोनों लूप्स कनेक्टेड है ना, दो लूप से पी ऑर्बिटल में, या फिर दो लोब है, तो एक ये बीच में एक जंक्शन पॉइंट ऐसा है जहां से दोनों लोब कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं डंबल शेप कंसिस्ट ऑफ टू लूप्स, या फिर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं लोब्स, कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स विच आर separated by a region of zero electron probability called node। तो मैंने क्या बोला है कि दो लोब है जो कि सेपरेट है एक नोड से, और नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी रीजन। तो जीरो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी रीजन क्यों बोला बताओ, इलेक्ट्रॉन नहीं होता उस नोड पे। एक्चुअल में देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉटेड एरिया लिखा है ना मैंने ब्लू से, जो डॉट डॉट किया है वो मेरा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन लोब्स में घूम रहे हैं, नोड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए उसको बोल रहे हैं जीरो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी रीजन। तो हम ऐसे बात याद रखना, नोड में कभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, समझ गए इतनी बात, बोलो। यस सर, समझा। जैसे मैंने एस सबशेल बनाया था, तो एस सबशेल में तो एक ही ऑर्बिटल था जिसका मैंने डायग्राम बना दिया स्फेरिकल, ऐसे ही पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल है पी के, तीन ऑर्बिटल सर, ऑर्बिटल तो एक ही है। अरे पी सबशेल में तीन पी ऑर्बिटल है ना, ये तीन बॉक्स कितने रहेगा अलग अलग, तीन ऑर्बिटल, तो तीन पी ऑर्बिटल है। इन तीन पी ऑर्बिटल को मैं ड्रॉ करके बताता हूँ एक बार, है ना, बस देखते जाओ, मैं ड्रॉ करता हूँ, है ना। कैसे ड्रॉ करें यार, एक इधर कॉर्नर में कर देता हूँ, चलिए। अब देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इनको, पहले एक्सिस मार्क कर देता हूं, एक्सिस में मार्क कर देता हूं अपने अकॉर्डिंग, मैं बोल देता हूं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये एक्स, ये वाई, और ये जेड। तो मैंने एक लोब तो ऐसी बनाई जो एक्स एक्सिस के अलोंग थी, एक लोब ऐसी बनाई जो y एक्सिस के अलोंग है, एक लोब ऐसी बनाई जो z एक्सिस के अलोंग है,
तुम देख रहे हो एक लोब तो x एक्सिस पर है, एक लोब y एक्सिस पर है, एक लोब z एक्सिस पर है, तो टोटल तीन p ऑर्बिटल होते हैं। जो x एक्सिस का लॉन्ग होता है उसको बोलते हैं px, जो y का लॉन्ग होता है उसको बोलते हैं py, और जो z का लॉन्ग होता है वो होता है pz। समझ रहे हो बात मेरी? यस सर। बताओ, अब मैं एक इनका एक डायग्राम भी तुम्हें दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा। ये थोड़ा डंबल वाला डायग्राम है, इसको भी तुम चाहो तो देख सकते हो। तो मुझे ये देख के जल्दी से मुझे ये बता दो कि कौन सा px है, कौन सा py है, कौन सा pz है। तो पहला वाला px है, सेकंड वाला py और थर्ड वाला pz। तो इतना तो देख के पता चल रहा होगा, जो एक्सिस के अलोंग है, पहला वाला y एक्सिस के अलोंग है, फर्स्ट वाला y एक्सिस के अलोंग है, सॉरी x एक्सिस के अलोंग है, तो ये px है। सेकंड वाला y एक्सिस के अलोंग है तो py है, थर्ड वाला z एक्सिस के अलोंग है तो pz है। p वाला फंडा क्लियर है, समझ में आ गई p की कहानी? तीन ऑर्बिटल होते हैं px py pz। सर s ऑर्बिटल में तो एक ही होता है ना सबके लिए? हाँ, तो मैंने एक ही तो बनाया है, देखो एक ही बनाया है बस। ठीक है, हाँ सर। चलिए थर्ड वन, थर्ड हम लोग पढ़ते हैं क्या, थर्ड d ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल्स। सर सर, तो s ऑर्बिटल में नोड नहीं होता क्या, कौन सा भी? उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे, नोड के बारे में भी स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, डबल डंबल इन शेप, कि भाई इसमें दो डंबल होते हैं, वो कैसे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे बाद में। सेकंड, डायरेक्शनल इन नेचर, ये डायरेक्शनल नेचर का होता है। अच्छा, डायरेक्शनल नेचर का होता है ये हमें पता है, क्यों? क्योंकि इसके शेप सिमेट्रिकल नहीं होते, वो हम देख लेंगे अभी, शेप की सिमेट्रिकल नहीं है इसलिए डायरेक्शनल नेचर का है। थर्ड, थर्ड इज डी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम, बताओ डी ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अकोमोडेट करेगा? टू इलेक्ट्रॉन। अरे ऑर्बिटल की बात हो रही है, सब शेल की नहीं, ऑर्बिटल में तो दो ही तो करेगा, उसमें सर पांच बॉक्सेस रहते हैं ना। अरे तो भाई मेरे ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, सब शेल की नहीं, कंफ्यूज मत हो। ऑर्बिटल मतलब एक ही बॉक्स होता है, डी सब शेल में पांच ऑर्बिटल होते हैं। ये डी सब शेल था, उसमें टोटल पांच ऑर्बिटल थे ना। D subshell can accommodate maximum 10 electrons। ठीक है, तो मैं एक बार तुम्हें बनाकर भी बता देता हूं क्या ऐसा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हम फिल करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये पूरा क्या है? सबशेल, डी सबशेल, और ये बीच में ये इतना सा पोर्शन, ये अकेला क्या है? डी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। तो जैसे मैंने पी के अंदर तीन डायग्राम बनाए थे, पी एक्स पी वाई पी जेड, ऐसे डी में कितने बनाऊंगा? पांच, फाइव, पांच। तो मैं पांच डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखना उनको, है ना सर? आपने जो एकदम स्टार्टिंग में लिखा था ना कि 3s, मतलब थर्ड शेल में ऐसे 3s 3p और 3d, तो 3 मतलब ये जो तीन ऑर्बिटल लेंगे क्या? नहीं नहीं, 3 का मतलब वो सब शेल का नंबर है। अभी सुनते जाओ कहानी, जब ये क्वांटम नंबर खत्म होगा ना तब पूरी कहानी तुम्हें क्लियर हो जाएगी, समझ गए? अभी बस शांति से सुनते जाओ, एक दिन में सब समझ में नहीं आता, टाइम लगता है समझने में। अब देखो मैं इनके एक्सिस के मार्क करता हूँ, मैं बोलता हूँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस वाले में मैं बोलता हूँ ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है,
इसमें बोलता हूँ ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है ना, ऐसे ही एक और मैं बनाता हूँ, एक और मैंने नीचे बनाया, ठीक है, और ये ऐसा भी बना देता हूँ, इसमें भी मैं मार्क कर देता हूँ, मैं मार्क करता हूँ ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसमें ये x, ये y और ये z। अब देखो होगा कैसा, ये तीनों एक जैसे होंगे, बस एक्सिस का फर्क है, मतलब ये लोब होगी कहाँ उसका फर्क है ना, बस वही डिफरेंस है। इसमें लोब्स एक्सिस के ऊपर होगी, देखो ये डबल डंबल है, दो दो डंबल दिख रहे हैं, ऊपर के तीन तो सेम सेम हो गए ना, बट एक्सिस का फर्क है ना, इसमें दो लोब्स होगी वो एक्स वाई एक्सिस के बीच में होगी, इसमें वाई जेड एक्सिस के बीच में, उसमें एक्स जेड एक्सिस के बीच में, फर्क तो है, सेम कहाँ है। ये देखो जो पहला वाला है इसको बोलते हैं डी एक्स वाई, जो सेकंड वाला है इसको बोलते हैं डी वाई जेड, क्योंकि वाई जेड एक्सिस के बीच में लोब से, लास्ट थर्ड वाले को बोलते हैं डी एक्स जेड, क्योंकि एक्स जेड एक्सिस के बीच में लोब है, इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर, इन नेम्स को याद रखना है। अब इसमें देखो एक लोब है और एक मेरा ये रिंग है, रिंग के बीच में सेंटर से मेरा लोब पास हो रहा है, इस रिंग के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग इन एक्स वाई प्लेन, रिंग मेरा एक्स वाई प्लेन में है और लोब बिल्कुल रिंग के सेंटर से पास हो रहा है, नोड इस लोब, इन दोनों लोब्स के बीच का नोड और रिंग का सेंटर एक ही है। तुम चाहो तो इस डायग्राम से और आइडिया लगा सकते हो, कैसे देखो, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है डायग्राम? यस सर। देखो पहले वाले में देखो y और z में लोब y और z एक्सिस के बीच में है, तो इसको बोल दिया डी वाई जेड, फर्स्ट वाले को देखो ध्यान से, सेकंड वाले में देखो ये फर्स्ट वाला है, इसको डी वाई जेड बोल दिया, इसमें देखो लोब्स x एंड y एक्सिस के बीच में, इसलिए इसको डी एक्स वाई बोल दिया है। इनका मैं नेम वापस से क्लियर कर देता हूँ, एक बार मैं मिटा ही देता हूँ ना नेम्स को, क्लियर नहीं लिखे हुए थोड़े, तुम एक बार डायग्राम इनको अच्छे से देख लो, फिर मैं इनके नेम लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, डी वाई जेड है ये, क्योंकि वाई और जेड एक्सिस के बीच में मेरा लोब है, वाई जेड, वाई और जेड एक्सिस के बीच में लोब है। सेकंड वाले में डी एक्स वाई है, क्योंकि एक्स और वाई, फर्स्ट में एक्स और वाई के बीच में भी एक लोब है ना? अरे नहीं है भाई, वो लोब वो लग रहा है तेरे को ऐसा है, थोड़ा उसको ध्यान से देख। थर्ड वाले में, थर्ड वाले में मेरी लोब है वो डी x एक्सिस एंड z एक्सिस के बीच में है लोब मेरा, डी एक्स एक्सिस और z एक्सिस के बीच में, इसलिए डी एक्स जेड है, ये लोब्स x और y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर ही, इसलिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर, यहाँ पर रिंग एक्स वाई प्लेन में है और z के ऊपर मेरा लोब है। देखो ऐसा ही इसमें याद रखना है कि जब लोब्स मेरा एक्सिस के बीच में हो तो वो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स होगा, लोब बिल्कुल एक्सिस के ऊपर हो तो डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होगा, जब एक्स वाई एक्सिस के बीच में हो लोब तो जी डी एक्स वाई, वाई जेड के बीच में हो तो डी वाई जेड, एक्स जेड के बीच में हो तो डी एक्स जेड। ध्यान से देखो डायग्राम को, तब क्लियर होगा फंडा। समझ गए सर? सर वो डी जेड स्क्वायर में रिंग और डंबल के बीच में गैप होगा ना? हाँ हाँ यस, गैप है उनके बीच में, टच नहीं कर रहे एक दूसरे को, समझ गए मेरी बात? आगे बढ़े हम लोग।
देखो फोर्थ वन इज एफ ऑर्बिटल क्या होता है। एफ ऑर्बिटल के बारे में ज्यादा हम लोग बात नहीं करते, बट थोड़ा बहुत जो पढ़ते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। इसका हमारे को स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं इट हैज कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, और ना ही हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड पॉइंट, हम लोग बोलते हैं क्या एफ ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑर्बिटल में हमेशा दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड, थर्ड पॉइंट में बोलता हूं एफ सबशेल कैन अकोमोडेट 14 मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। जैसे पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5, वैसे ही एफ में कितने होते हैं? 7। तो 7 एक बार में बना देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये चीज वापस से मैं बता देता हूँ, बार बार बता ही रहा हूँ, अब तक तो समझ आ ही जानी चाहिए। ये पूरा का पूरा क्या है? सबशेल एंड दिस इज ओनली ऑर्बिटल। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ऑर्बिट तो वो शेल होता है, ऑर्बिट के अंदर सबशेल होते हैं, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस होना चाहिए, क्लियर? तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में थोड़ा बहुत तो फर्क समझ में आता है ना? हाँ सर, ऑर्बिट ऊपर होता है ना सर। ऑर्बिट मतलब बड़ा कुछ है, उसके अंदर ऑर्बिटल है, समझे? यस सर। ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट के अंदर सबशेल है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, है ना? डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो कॉलम वाइज डिफरेंस करूंगा मैं, तो ऐसा एक कॉलम बना लेता हूं, ये बीचों बीच में यहां पर लाइन बना देते हैं, ठीक है? ऐसा, ठीक है? अब एक साइड में तो ऊपर लिखेंगे हम लोग क्या, एक साइड में लिखेंगे ऑर्बिट और एक साइड में लिखूंगा ऑर्बिटल, ठीक है? अब देखो डिफरेंस में लिख रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर वन इज ऑर्बिट इज अ फिक्स्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। कौन सा फिक्स्ड पाथ है? बोर्स मॉडल में पढ़ा था ना, एक सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, पढ़ा था ऐसा बोर मॉडल में? Yes. कि ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये सर्कुलर पाथ है मेरे। हाँ सर। तो ये तो मेरा न्यूक्लियस है, इसके बाहर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये क्या है? ये मेरा
सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। तो ऑर्बिट मतलब क्या है? वो सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल में बोलता हूं स्पेस, ये डेफिनेशन भी एक तरह से ऑर्बिटल की, स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। जैसे दो चीजें होती है, एक तो होता है ऑर्बिटल, एक होता है नोड। जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्बिटल, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते उसको बोलते हैं हम लोग नोड। समझे मेरी बात को? यस सर। हाँ सर, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड। अच्छा, सर्कुलर पाथ है तो वो कैसा मोशन होगा? 3D मोशन होगा या 2D मोशन होगा? 2D मोशन। 2D मोशन है ना, तो हम बोलते हैं इट रिप्रेजेंट 2D मोशन, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ है इसलिए 2D में। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो ऑर्बिटल बनाए उसके शेप कैसे कैसे बनाए हैं? 2D वाले शेप बनाए या 3D वाले? 3D वाले शेप बनाए ना, स्फेरिकल, डंबल, ये सब 3D शेप होते हैं। तो हम बोलते हैं इट रिप्रेजेंट 3D मोशन, ठीक है। सर 3D शेप्स आएंगे ना, 3D मोशन कैसे? अरे मतलब वो जो भी शेप है, जो कुछ भी है, वो 3D में है। जैसा होता है ना मूवीज के स्टार्टिंग में लिखा आता है ना, क्या कि 3D मोशन पिक्चर्स और ऐसा कुछ कुछ। तो मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा वो 3D में होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो 2D में होगा, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूं। थर्ड पॉइंट इज ऑर्बिट्स। थर्ड पॉइंट इज ऑर्बिट्स आर सर्क्यूलर इन शेप। ऐसे इसमें मैं लिखूंगा क्या? ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स, वो हमने पढ़ा है, स्फेरिकल, डंबल, डबल डंबल, वो सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर फोर्थ। मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। मैंने इसको नॉन डायरेक्शनल इन नेचर क्यों बोला? क्योंकि वो सर्कल है, सर्कल और स्फीयर नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है, इसलिए मैंने ऐसा बोला, ठीक है। अब मैं इसमें बोलता हूं क्या, फोर्थ पॉइंट, ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर एक्सेप्ट कौन? एस ऑर्बिटल एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल के अलावा सभी लोग क्या है? डायरेक्शनल नेचर के हैं। चलिए, चार पॉइंट तो हमने लिख दिए हैं। पॉइंट नंबर फिफ्थ, फिफ्थ पॉइंट पहले मैं इधर लिख रहा हूं क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज व्हाट? टू। ऐसे मैं बोलता हूं मैक्सिमम, ये एक तरह से फैक्ट भी है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
in an orbit is 2n square. 2n square, where n is number of ऑर्बिट. इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा. अभी के लिए याद रखो कि 2n स्क्वायर इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. अगर मान लो ऑर्बिट नंबर 3 हुआ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 18. ऑर्बिट नंबर अगर 3 हुआ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18. ठीक है, 18. फंडा क्लियर है यहां तक? हां सर. पहली चीजें तुमने सारी चीजें फर्स्ट टाइम देखी है. अभी सब जब देख लोगे 10 बार 15 बार तब याद हो जाएगा. ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है स्पेशल कि मैं वीक हूँ इसलिए मुझे मेरे साथ ऐसा हो रहा है. नहीं, सभी के साथ ऐसा होता है. एक्चुअल में क्या है कि 10 से 11th में आते हैं तो बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है स्टडी में. बहुत बहुत ज्यादा चेंज आता है. बहुत एकदम से टफ टफ चीजें हम लोग पढ़ने लग जाते हैं. स्टार्टिंग में समझ नहीं आता बट धीरे धीरे आएगा वो समझ. टेंशन मत लो. ठीक है, सिक्स पॉइंट इज ऑर्बिट इज ऑल्सो नोन एज शेल. ऑर्बिट को हम लोग शेल भी बोलते हैं. इसमें मैं लिखता हूं क्या, ग्रुप ऑफ सेम ऑर्बिटल्स इज नोन एज व्हाट. ग्रुप ऑफ सेम ऑर्बिटल इज नोन एज, बहुत सारे ऑर्बिटल है जो सेम टाइप के, उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? सबशेल. जैसे मान लो P के 3 ऑर्बिटल थे, PX, PY, PZ, तीनों एक जैसे थे तो उनका एक ग्रुप बना और उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? सबशेल. तो ये मेरा डिफरेंस था. ठीक है, ये मेरा डिफरेंस था. समझ आया तुम्हें मेरा डिफरेंस? यस सर. हाँ सर. ठीक है सर, वो लास्ट का पॉइंट समझाओ ना एक बार. क्या समझाऊं इसमें बता, क्या समझ नहीं आया? ऐसा क्या था जो नहीं समझ आया? तो 6 पॉइंट. हाँ तो क्या समझाऊं, बता सरी कि यार ये समझ नहीं आया, मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ बट आपने ऐसा लिख दिया. इसे वो समझ ही नहीं रहा आपने, मतलब कौन सा सेम टाइप के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका एक, जैसे मैंने पी में 3 ऑर्बिटल बनाए, 1, 2, 3, तो इन तीनों का एक ग्रुप मिला के तो सब सेल बना है. एक तीनों का कलेक्शन ही तो सब सेल है, वो पी सब सेल बोलेंगे. ऐसे ही डी ऑर्बिटल का एक कलेक्शन हम लोग करते हैं. ओके, ओके. उनको डी ऑर्बिटल बोल देते हैं. ऐसे मैं वो ग्राफ वाला सोच रहा था. नहीं नहीं, इतना अभी मत सोचो. जैसा मैं सोचने के लिए बोल रहा हूँ बस वैसा ही सोचो बस. ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही. होमवर्क क्या है? होमवर्क जो मैंने लास्ट क्लास में सेक्शन एस दिया था ना तुम्हें होमवर्क, हाँ सर, उसको करके लेके आना. सभी लोग होमवर्क करके लेके आए, बहुत जरूरत है हमारे लिए होमवर्क करना. होमवर्क करके लाओ, उसके बाद ही हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना. तो नेक्स्ट में हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे. अच्छा, नेक्स्ट चीज इज तुम मुझे ये बताओ कौन सा मेथड पढ़ाने का ज्यादा बेटर है, ये स्क्रीन शेयरिंग या फिर जैसा हम लोग पहले पढ़ रहे थे वो? सर पहले वाला. क्यों, इस वाले में क्या इशू है? ऐसे ये भी अच्छा है सर, ये वाला ज्यादा अच्छा है. इसमें आपने जो फोटोज दिखाए थे ना वो 3D वाले, वैसे भी दिखा सकते हैं ना. हाँ, और इसमें मतलब PDF फॉर्मेट में पूरा मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, है ना, बाद में. मतलब बाद में क्या, जस्ट आफ्टर द क्लास में कर दूंगा ना. हाँ सर. चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना सर. ओके सर. हाँ बोलो सर. ऑर्बिटल बोलते कि ऑर्बिटल जैसा क्या बोलते हैं? अरे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, वही है ना कि अब हर चीज का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है. तुम्हारी मर्जी है जो बोल लो. मैं तो जनरली ऑर्बिटल ही बोलता हूँ. बहुत सारे लोग ऑर्बिटल भी बोलते हैं. वैसे ही सेम है ना, जैसे शेड्यूल को कुछ लोग शेड्यूल बोलते हैं, कुछ स्केड्यूल बोलते हैं. तो वही है, अब वही इंग्लिश और यूएस वाला टाइप है कुछ. ठीक है.
ओके ठीक है, थैंक यू ऑल। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर।